माँ दुर्गा की पहली शक्ति की पावन कथा अर्थात माता शैलपुत्री की कथा। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के नौ रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री के बारे में है। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है, यही सती के नाम से भी जानी जाती है। उनकी एक धार्मिक कहानी है। यह बात उस समय की है एक बार जब प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया। दक्ष ने इस यक्ष में सारे देवताओं को निमंत्रित किया लेकिन भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव थे, भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे, इससे सती को क्लेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान न सह सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम है। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ था। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। माता शैलपुत्री का स्वरूप ऐसा है, शैलपुत्री नंदी बैल पर सवार संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। यह वृषभवाहन शिव का ही स्वरूप है। घोर तपश्चर्या करने वाली शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी है। शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल जो धर्म अर्थ और मोक्ष के द्वारा संतुलन का प्रतीक है, शैलपुत्री के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करता है। बाएं हाथ में सुशोभित कमल पुष्प कीचड़ यानी स्थूल जगत में रहकर और से परे रहने का संकेत देता है। मनुष्य में प्रभु की अपार शक्ति समाहित है और शैलपुत्री उसका व्यक्त संकेत है। दिव्या शक्ति इस चक्र के आवरण में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर रही है कि शैलपुत्री अपने अस्त्र त्रिशूल के भांति हमारे त्रिलक्ष्य धर्म अर्थ और मोक्ष के साथ मनुष्य के मूलाधार चक्र पर सक्रिय बाल है। मूलाधार में पूर्व जन्मों के कर्म और समस्त अच्छे बुरे अनुभव संचित रहते हैं। यह चक्र कर्म सिद्धांत के अनुसार यह चक्र प्राणी का प्रारंभ निर्धारित करता है, जो अनुतरित के आधार में स्थित यंत्र और योग साधना की चक्र व्यवस्था का प्रथम चक्र है। यही चक्र पशु और मनुष्य के बीच में लकीर खींचता है। यह मानव के अचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा है। इस चक्र का सांकेतिक प्रतीक चार दल का कमल अंतःकरण यानी मन बुद्धि चित्त और अहंकार द्योतक है। ऐसी है माँ शैलपुत्री की शक्ति। शैलपुत्री मूलाधार मस्तिष्क से होते हुए सीधे ब्रह्मांड का प्रथम संपर्क सूत्र है। यदि देह में शैलपुत्री को जगा लिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि को नियंत्रित करने वाली शक्ति धीरे धीरे देह में स्वतः प्रकट होने लगती है। फलस्वरूप व्यक्ति विराट और जार में समाकर मानव से महामानव के रूप में तब्दील हो जाता है। शैलपुत्री की सक्रियता से मन और मस्तिष्क का विकास होने लगता है। अंतर मन में उमंग और आनंद व्याप्त हो जाता है। शरीर में शैलपुत्री यानी मूलाधार का जागरण न होने से मनुष्य विषय वासनाओं में लिप्त होकर स्वस्थ स्वार्थी और आत्म केंद्रित होकर थकातका सा दिखाई देता है। शैलपुत्री मनुष्य के कायाकल्प के द्वारा सशक्त और परमहंस बनने का प्रथम सूत्र है। स्वयं में ध्यान भजन के द्वारा इनकी तलाश देश में काम को संतुलित करके बाहर से चट्टान की शक्ति प्रदान करती है और मानसिक स्थिरता देती है। माँ शैलपुत्री की पूजा विधि है, नवरात्रि के पहले दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर सफेद वस्त्र धारण करें। इसके बाद लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर गंगा जल का छिड़काव करें। इसके ऊपर केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। अब इसके ऊपर माँ शैलपुत्री की प्रतिमा स्थापित करें। यदि आपके मंदिर में माँ शैलपुत्री की प्रतिमा अलग से नहीं है तो माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें। माँ शैलपुत्री देवी भगवती का ही स्वरूप है। इस दिन माता को सफेद वस्त्र और सफेद फूल चढ़ाना चाहिए, साथ ही सफेद रंग की मिठाइयों का भोग लगाएं।
माता के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करें। तत्पश्चात माँ शैलपुत्री के मंत्रों का 108 बार जाप करें और माता की आरती का पाठ करें। माँ शैलपुत्री के मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे ओम शैलपुत्री देव्य नमः। मान्यता है कि माता को सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाने व चरणों में घी अर्पित करने से माता प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। आगे जानेंगे माता की सबसे शक्तिशाली सुरक्षा घेरा मंत्र के बारे में, जो हर तरह के अकाल, मृत्यु व दुश्मन के प्रहार से शरीर को रक्षित करती है।